नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? तो दोस्तों, आज बात करेंगे कि यदि आप सपने में अपने दोस्त को देखते हैं, चाहे वो बचपन का दोस्त हो, चाहे प्रेजेंट टाइम का दोस्त हो, या किसी भी दोस्त को आप सपने में देखते हैं, तो उसका क्या मतलब होता है? देखिए, सबसे पहले बात बताना चाहूँगी कि मैं सपने की व्याख्या एस्ट्रोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल अर्थात मनोवैज्ञानिक व ज्योतिषीय दोनों रूप से करने का प्रयास करूँगी। देखिए, अगर साइकोलॉजिकली बात की जाए अर्थात मनोवैज्ञानिक रूप से बात की जाए, तो सपने में दोस्त देखना यह बताता है कि हम अपनी ज़िंदगी में जो भी हमारी प्रेजेंट लाइफ है, वहाँ हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो हमें यह बता रहा है कि हमें अपनी वास्तविक ज़िंदगी में कुछ रिश्तों को बेहतर बनाने की आवश्यकता पर ज़्यादा ध्यान देना। हो सकता है कि हम अपने जो पर्सनल रिलेशंस हैं, अपने चाहे फ्रेंड्स के साथ हो, चाहे फैमिली के साथ हो, चाहे अपने बच्चों के साथ हो, या अपने कलीग्स के साथ हो, उनके साथ बहुत अच्छे रिलेशन बनाने में दिक्कत महसूस कर रहे हैं, तब हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें हमारे दोस्तों के सपने दिखाता है। इसके अलावा साइकोलॉजिकली ये सपना कभी कभी जब हम बहुत अकेला या अलोन फील करते हैं दुनिया में, हमें ऐसा महसूस होता है कि हमारे पास कोई सच्चा मित्र नहीं है, तब भी हमें हमारे बचपन के दोस्त या बहुत अच्छा दोस्त जो हमारे साथ नहीं है, उसके सपने भी आते हैं। ऐसा इसलिए भी होता है कि पहली बात तो हम एक उसकी कमी को महसूस करते हैं, और दूसरा जब हम दुनिया से उस तरह की एक्सपेक्टेशन जो हम चाहते हैं वो नहीं मिल पाती है, तब भी हम अपनी पुरानी ऐसी चीज़ जिससे हमें खुशी मिलती थी, हम उसको याद करने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा यदि एस्ट्रोलॉजिकली बात करूं तो सपने में दोस्त देखना एक अच्छा सपना होता है। ज्योतिष व्याख्या के अनुसार यदि आप सपने में अपने दोस्त को मिलते हैं, तो सपना बताता है कि निकट भविष्य में आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा या उन्नति आपको देखने को मिलेगी। यदि सपने में आप अपने दोस्त को गले लगा रहे हैं, बहुत दिन बाद आपका दोस्त मिला आपको और आप उसे गले लगा रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा सपना है। निकट भविष्य में आपको बहुत अच्छी सफलता या तरक्की मिलेगी। लेकिन यदि सपने में आप अपने दोस्त को बीमार देखते हैं, तो यह सपना बताता है कि आपको आने वाले समय में थोड़ा किसी सावधान रहना चाहिए। हो सकता है कि किसी परेशानी या मानसिक कष्ट का सामना आपको आने वाले समय में करना पड़ सके। यदि आपका अपने सपने में अपने निकटतम मित्र या अपने घनिष्ठ मित्र से झगड़ा हो जाता है या पुराने दोस्त से झगड़ा हो जाता है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। यह सपना बताता है कि निकट भविष्य में आपको कोई अच्छा समाचार मिलेगा। लेकिन यहाँ पे मनोविज्ञान ये भी कहता है कि यदि आप सपने में अपने दोस्त से झगड़ा देखते हैं, खासकर बार बार देखते हैं, तो सपना बताता है कि आप वास्तविक जिंदगी में शायद किसी चीज को बहुत शिद्दत से पाना चाह रहे हैं और आप उस प्रयास में सफल नहीं हो पा रहे, तब भी आपको ऐसे सपने आते हैं जिसमें आप खुद को अपने ही दोस्त से झगड़ता हुआ देखते हैं। इसके अलावा यदि आप अपने किसी मृत दोस्त को सपने में देखते हैं, तो यह सपना बताता है कि आप पहली बात तो शायद उस व्यक्ति को याद करते हैं, और अगर आप नहीं भी याद करते हैं, कभी कभी हमारी जो मेमोरीज हैं या जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, हमारे पुराने दिनों को या हमारे पुराने मित्रों को सपने के माध्यम से हमें दिखाता है, या हमारे हमें अपने पुराने अवचेतन मन में ले जाता है। देखिए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मनोविज्ञान में पूर्ण रूप से ढूंढ नहीं पाया है, और शायद ज्योतिषीय गणनाएं भी इतनी 100% एक्यूरेट नहीं हो पाती हैं कि ऐसा क्यों होता है। लेकिन फिर भी यदि आपका मृत दोस्त आपसे कुछ मांग रहा है सपने में और बार बार आ रहा है, और आप बार बार ऐसा देखते हैं, तो आप उसके नाम से अमावस्या के दिन जरूर कुछ दान कर दिया करें, खासकर सफेद वस्तु या दूध का दान करें, या कुत्तों को दूध व रोटी का दान कर दें, तो इससे भी आपको इस तरह के सपने बार बार आने बंद हो जाएंगे। क्योंकि ऐसी क्वेरी मेरे पास बहुत बार आई थी कि एक ही दोस्त, पर्टिकुलर एक दोस्त जिसकी डेथ हो गई है, बार बार सपने में देखता है। तो बार बार देखिए, किसी भी जीवात्मा का आपके सपनों में आना, कहीं ना कहीं वो आपसे कुछ लेना चाहता है, आपसे कुछ मांगता है, जैसा कि शास्त्रों में बताया गया है। तो अगर आप बार बार ऐसा सपना देखते हैं, तो आप निश्चित रूप से उसके नाम से कुछ दान कर दें। इस बात को मत सोचिए कि वो मेरे परिवार से है या मेरे परिवार से नहीं है। आप जब किसी भी मृत व्यक्ति के प्रति उसकी याद में आप कुछ भी देते हैं, आप उसे तर्पण समझ लें या उसके लिए कुछ भी आप उसके निमित्त किसी भी जानवर को या मंदिर में दान देते हैं, तो निश्चित रूप से जो उसकी आत्मा होती है वो संतुष्ट होती है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको हमारी आज की दी हुई जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी रोचक जानकारियों के लिए कृपया आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार।